हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम अपना वो कैप सेशन नंबर 17 करने जा रहे हैं और इसको कुछ एक इफेक्टिव वे से हम करेंगे, एक नए अंदाज में हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं वो कैप को। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष उपाध्याय। सो कंसंट्रेशन कीप्स यू एंडलेस लर्निंग। अगर आपके पास अच्छा कंसंट्रेशन है, फोकस है, तो आपको काफ़ी कुछ बताएगा यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड हम याद करते हैं वो है फेटर। फेटर सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब की, ये है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट बाई शेकलिंग और चेनिंग। किसी चीज़ को करने से रोकना या किसी चीज़ को होने से रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, खुद को रोकना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। शेकलिंग और चेनिंग यानी कि एक रस्सी से बांध दिया या चेन से आपने किसी को बांध दिया और उस काम को करने से रोक रहे हो, या कहीं पर बंद करके रखा हुआ है किसी चीज़ को, तो वहाँ पर आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो सिनोनिम इसका बन जाता है आपका टू रेस्ट्रिक्ट किसी चीज़ में, आप बाधा यानी कि उसको होने से रोक रहे हो इस तरीके से। एंटोनिम्स का बनेगा टू लिबरेट। लिबरेट यानी कि फ्री है और इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी काम कर सकता है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है इसका, द कन्विक्ट वॉज फेटर्ड टू प्रिवेंट हिज एस्केप। कन्विक्ट यानी कि जो जिसको हम क्रिमिनल कर देते हैं, यानी कि ये क्राइम जिसने किया होता है, तो वो कन्विक्ट जो है वॉज फेटर्ड टू प्रिवेंट हिज एस्केप। उसने खुद को रोका उसको एस्केप करने के लिए, अपनी प्रिवेंट हिज एस्केप, या एस्केप मतलब होता है वहाँ से भाग जाना, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हम आज पिक्चराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पिक्चर्स देखेंगे और उसको ट्राई करेंगे रिलेट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो चेन से यहाँ पे ये बांधा गया, यानी कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से आगे, इतनी से आगे ये नहीं जा पाएगी, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। उससे पहले हम ये एक और देख लेते हैं, ये है मेडिटेशन गिव्स यू द पावर ऑफ नॉलेज। अगर आप मेडिटेट करते हो थोड़ी देर के लिए, तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है और आप इजीली कुछ भी लर्न कर सकते हो और अच्छे से एक बेटर वे के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी, अब देखिए हेट्रो और एक होता है वर्ड होमो। तो होमो का मतलब होता है सेम, जब सिमिलैरिटी होती है किसी चीज़ में। हेट्रो का मतलब होता है जब सिमिलैरिटी नहीं होती, जो चीज़ों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज़ करते हैं। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है स्टेज ऑफ बीइंग डिससिमिलर। कोई भी चीज़ है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो चीज़ आपस में मैच नहीं कर रही है, डिसिमिलर है। कंपोजिशन फॉर्म अनलाइक एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स वो अनलाइक एलिमेंट, एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ऐसा कोई कंपोजिशन आपने बना के रखा हुआ है। सिनोनिम इसका बनेगा डिससेपरेटनेस या डिसिमिलैरिटी। एंटोनिम बनेगा होमोजेनिटी, इसका जो सपोजिट क्या हो जाएगा, होमोजेनिटी। एग्जाम्पल है कमिंग फ्रॉम मैनी कंट्रीज एंड कल्चर्स, स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनिटी। यानी कि कमिंग फ्रॉम मैनी कंट्रीज एंड कल्चर्स, उसकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक हेट्रोजेनिटी का एग्जाम्पल है, बिकॉज वो कई अलग कंट्रीज से या अलग कल्चर्स के एक साथ हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनिसी। ऐसा एक कोई कंपोजिशन है, जैसे कि हमारा इंडिया आप बोल सकते हो, यहाँ पे इंडिया के बारे में आप ऐसा बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हेट्रोजेनिटी है, तो वो कंपोजिशन को ही हम बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। जैसा कि आप इस इमेज से रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर कई सारी बॉल्स हैं, ये पूरा कंपोजिशन है, लेकिन हर बॉल अपने आप में एक दूसरे से अलग है, तो इसी को आप बोल सकते हो हेट्रोजेनिटी, इसी को आप बोल सकते हो हेट्रोजेनिटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो है ग्रीडी। ये एक एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है डिजी, यानी कि जब आप लेजी फील करने लगते हो, लेजीनेस। और सिनोनिम जैसा कि आप देख सकते हो इनएक्टिव। एंटोनिम है लेवल हेडेड यानी कि वेरी एक्साइटेड लाइक दैट। और एक और मीनिंग होता है, अगर आप इसको एक नाउन की तरह यूज़ करोगे या
नाउन बोलो या फिर आप वर्ब बोलो, वर्ब की तरह इसको अगर आप यूज करोगे तो एक एक्साइटेडनेस जब होती है, तो एक्साइटेडनेस में हम इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जब आप डिसओरिएंटेशन होते हो या कोई गलत चीज के अंदर, जब आपको उसको करने के लिए एक्साइटेडमेंट होती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, आई बिकेम गिडी आफ्टर ड्रिंकिंग द शैम्पेन एट द रिसेप्शन। तो बहुत ही ज्यादा उसको लेजी हो गया, या आप बोल सकते हो कि उसका माइंड घूमने लगा, चक्कर आने लगे, ठीक है, विलिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ होने लगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी देख लेते हैं इमेज। इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे इनको चक्कर आ रहे हैं, जिसको आप बोलते हो विलिंग, यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो बिडी। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल एक तरीके से हमारा एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड, यानी कि आप किसी के ऊपर कोई भी आप अपना हक नहीं बता सकते, यानी कि आप बोल सकते हो उस पर कब्जा नहीं कर सकते, इस तरीके से बोल सकते हो, या उसको हराया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम इसका बोलता है इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी कि जिसको हम डिफीट ना कर सकें, जिसको हम डिफीट ना कर सकें उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। एंटोनिम बनेगा वीक, क्योंकि तो सिंपल सी बात है, जब सिनोनिम है इनविंसिबल यानी कि जिसको डिफीट ना कर सके तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग, तो इसका जस्ट अपोजिट वीक हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ही वॉज फ्रॉम अ ट्राइब डेट वॉज टॉट टू बी इंडोमिटेबल। वो एक ट्राइब, ट्राइबल एरिया से है या ट्राइब है, तो उसको एक इंडोमिटेबल माना गया है, बट फाइनली वॉज फोर्स टू लिव ऑन द रिजर्वेशन। लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन के तौर पर, यानी कि आप बोल सकते हो रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो वो उसके फोर्स फाइनली वो फोर्स टू लिव ऑन द रिजर्वेशन, इस तरीके से आप बोला जा रहा है यहाँ पे, तो उसको एक इंडोमिटेबल बताया गया है, बिकॉज इंडोमिटेबल जिसको आप नहीं हरा सकते, इस तरीके से। जैसा कि आपने ये मूवीज तो देखी ही होंगी, एनिमेटेड मूवीज हैं। इस मूवी का जो नाम है जिसमें आप इस पर्सन को देख रहे हो, सुपर हीरो को देख रहे हो, इसका नाम है इनविंसिबल। एक काफ़ी अच्छी आप बोल सकते हो वेब सीरीज है, एनिमेटेड वेब सीरीज। एंड दिस वन इज द इंडोमिटेबल्स, एक सुपर हीरोज की सीरीज है, काफी स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज है ये, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एंड द फिफ्थ वर्ड दैट इज इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट अपने आप एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अनश्योर ऑन हाउ टू प्रोसीड, यानी कि किसी काम को करने में आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कन्फ्यूज, कि मैं ये करूँ या ना करूँ, या किस तरीके से किया जाए, क्या ये मुझे करना चाहिए नहीं। सिनोनिम इसका बन जाता है इनडिसिसिव और ड्यूबियस। अब देखिए, इनडिसिसिव का मतलब होता है कि आप क्विकली डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, और डिसिसिव का मतलब होता है कि आप क्विकली डिसीजंस ले पा रहे हो, ऐसी एबिलिटी आपके अंदर है। तो एंटोनिम इसका बन जाता है श्योर हैं आप, डिसिसिव हैं, या सर्टेनिटी है आपके अंदर। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अनसर्टेनिटी, या अनसर्टेन है आप लेकर कोई चीज़ को। एग्जाम्पल आपका बन जाता है द कन्फ्यूज्ड चाइल्ड स्टूड इरेजुलेट वेटिंग फॉर सम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो कन्फ्यूज है चाइल्ड। कैसा है चाइल्ड? कन्फ्यूज है, तो खड़ा हुआ है, सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, आगे कैसे बोलूँ या क्या बोलूँ, इस तरीके से। तो वो वेट कर रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे कहीं से मिल जाए, ठीक है, और इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बोल सकते हो हेजिटेट होना, हेजिटेट हैं आप, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट इसकी पिक्चर देखते हैं। पिक्चर आप देख सकते हो ये वाली, इसके अंदर देखिए क्या बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट है कि मैं क्या करूँ, इस तरीके से। ये वाली स्टेट आप देख सकते हैं यस या नो, क्या बोलूँ, इस तरीके से, तो ये कंफ्यूज स्टेट होती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, ये है मेटाफोरिकली। ये अपना एक एडवर्ब की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। मेटाफोरिकली का मतलब, आपने फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर्स पढ़े होंगे, जो कि आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ रिलेट करते हो, कंपेयर करते हो, तो उसको बोलते हैं कंपेयर्ड नॉन लिटरली। सिनोनिम बन जाता है सिम्बॉलिकल, आप बताना चाह रहे हो उसका मतलब ये उस जैसा लगता है, इस तरीके से मेटाफर्स जो हम यूज़ करते हैं। एंड टिपिकली एंड एंटोनिम इसका बन जाएगा लिटरली। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मेटाफोरिकली स्पीकिंग ही इज ड्राइंग इन ऑयल। तो वो एक मेटाफोरिकली स्पीकिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो
ऑयल में डूब रहा है इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल तो हो गया, अब पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। पिक्चर में क्या है, मेटाफर। इधर आप देख सकते हो ही वॉज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। तो ये पर्सन को आप इंसाइक्लोपीडिया की तरह उसको रिलेट कर रहे हो उसके साथ, क्या पता उसके पास इंसाइक्लोपीडिया की तरह नॉलेज हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो है पेनेसिया। पेनेसिया अपना एक नाउन की तरह हम यूज करते हैं इसको, और इसका मतलब होता है क्योर फॉर ऑल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राम बाण इलाज। कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो, उसका राम बाण इलाज, जिसके लिए हम बोलते हैं पेनेसिया। अब यहाँ पे क्योर फॉर ऑल, किसी भी चीज़ के लिए सिनोनिम है रेमेडी फॉर ऑल इल्स, किसी भी बीमारी की दवा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेनेसिया। एंटोनिम है लिमिटेड रेंज, मीन्स यहाँ पे तो कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी बीमारी हो पेनेसिया, ठीक है, मीन्स सभी की रेमेडी है उसके पास। बट एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड रेंज, यानी कि ये दवाई सिर्फ इतनी ही रेंज तक है, इसकी लिमिटेड रेंज इस तरीके से। एग्जाम्पल है लव नॉट मनी इज द पेनेसिया फॉर योर प्रॉब्लम्स, मीन्स मनी उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई भी एक तरीका नहीं है, यानी कि वो कोई भी तरीका नहीं है, बल्कि क्या है फिर, लव इज द पेनेसिया फॉर योर प्रॉब्लम्स, लव इज द पेनेसिया फॉर योर प्रॉब्लम्स। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दवाई है, और आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना से रिलेटेड ही है ये, COVID-19 का वैक्सीन तो इसके लिए बनाया जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये एक रामबाण इलाज साबित हो सकता है, किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, COVID-19 के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं इट माइट बी पॉसिबल और इट मे बी पॉसिबल दैट इट कैन बी द पेनेसिया फॉर कोरोना वायरस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं, जिसका मतलब है पयूस। पयूस एक तरीके से हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है टू रीड, और रीड भी कैसे, केयरफुली, वेरी केयरफुल, ठीक है, बहुत ही केयरफुल वे के अंदर आप रीड कर रहे हो, तो उसको आप बोलते हो पयूस। यानी कि टू एग्जामाइन, यहाँ पे हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं एग्जामाइन, पोर, ठीक है। पोर दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक तो होता है कि बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो कि स्किन में पाए जाते हैं या कहीं और, ठीक है, स्किन में पाए जाते हैं या कोई भी मान के चले जाली होती हैं, तो उनके अंदर जो पोर्स होते हैं, तो होल्स होते हैं छोटे छोटे जिसमें से कुछ भी पास होता है लाइक वाटर एंड ऑल, तो उसको हम बोलते हैं पोर। और एक इसका फर्स्ट मीनिंग हो गया, एक होता है इसका सेकेंड मीनिंग। सेकेंड मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से उसको करना, एग्जामाइन करना और उसको एब्जॉर्ब कर लेना इन रीडिंग, लाइक रीडिंग के अंदर ही आ जाता है, जब आप रीड कर रहे हो कोई भी चीज़ तो उसको जो भी आपने रीड किया उसको अपने माइंड में बहुत ही क्विकली एंड अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना, उसको आप बोलते हो पोर। एंड इसका एंटोनिम बन जाता है टू स्किम। स्किम यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी कर देना कोई भी चीज़ को और उसको आप अच्छे से नहीं देख पा रहे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, माई लॉयर सेज ही हैज़ नॉट हैड टाइम टू परयूज द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका लॉयर क्या बोल रहा था, उसके लॉयर ने कहा ही हैज़ नॉट हैड टाइम टू परयूज द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देख ले, ठीक है। लाइक ये पिक्चर आप देख सकते हो कि कितनी केयरफुली स्टडी की जा रही है मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, तो इस तरीके से जो स्टडी होती है बहुत ही अच्छे अच्छे से एक एक वर्ड को देखते हुए पढ़ रहे हो, तो उसको आप बोलते हो परयूज। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, जो है प्रॉडिगी। प्रॉडिगी हमारा एक नाउन की तरह हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है वन विद एक्सेप्शनल टैलेंट्स और पावर्स, यानी कि कुछ ऐसे टैलेंट्स या पावर्स जो उसके पास गॉड गिफ्टेड आप बोल सकते हो, गॉड गिफ्टेड है इस तरीके से, ठीक है। सिनोनिम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट हैं, अचीवमेंट्स हैं जो कोई और नहीं कर पाया सिर्फ उसी के, लाइक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो बनते हैं उसके अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो और कोई नहीं कर पा रहा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं। एंटोनिम्स जो हमारे पास बनेंगे वो बनेगा एक ऑर्डिनरी अकरेंस, जो सभी है मतलब कॉमन में है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी अकरेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, मोजार्ट वॉज कंसिडर अ चाइल्ड प्रोडिगी सिंस
ही हैड ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज। बहुत ही कम उम्र के अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट था म्यूजिक का, किसको, मोजार्ट को, ठीक है। तो इसलिए उनको एक प्रोडिगी चाइल्ड कंसीडर किया गया था। तो यहाँ पे ये नाउन है और ये प्रोडिगी कैसा, कौन है, चाइल्ड है, तो ये इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये वर्ड मिलता है प्रोडिगी। इसकी पिक्चर देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी एक एनिमेटेड मूवी है, लाइक बेबी बॉस। बेबी बॉस ये एक एनिमेटेड मूवी है। इस मूवी के अंदर दिस ही इज द चाइल्ड, और प्रोडिगी चाइल्ड हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 10th वन, डेट इज रीबफ, यानी कि एक वर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब होता है टू स्नब। टू स्नब का मतलब होता है, देखो स्नब का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना अननेसेसरली या रिजेक्ट कर देना, तो उसको आप बोलते हो रीबफ करना। तो वर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच सुननी बनता है टू रिफंड ब्लंटली, सॉरी इसको रिफंड नहीं, इसको रिफ्यूज कर लो, रिफ्यूज या हम लिखते टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूज ब्लंटली, एक बुरे तरीके से उसको रिजेक्ट कर देना, बुरे व्यवहार करके उसको रिजेक्ट कर देना, अनग्रेसियस मैनर के अंदर उसको रिजेक्ट कर देना, तो उसको आप बोलते हो रिबफ। और किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना उसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल है अवर सजेशन वॉज इमीडिएटली रिबफ्ड, जो उसकी उनकी सजेशन थी उनको इमीडिएटली रिबफ रिजेक्ट कर दिया गया था एक अनग्रेसियस मैनर के अंदर, एक बुरे बर्ताव के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे वर्ड रिबफ को। तो यहाँ पे आज हमने अपने 10 नंबर ऑफ वर्ड्स देखे जिसके अंदर हमने, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना।